ग्लोबल एजुकेशन सेंटर में आप सभी बच्चे को स्वागत है। आज का क्लास साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का ऑब्जेक्टिव है। तो आप सभी बच्चे तैयार होके अपने कॉपी कलम को निकाल लें और मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न और उसके सही उत्तर को अपने कॉपी पे लिख लेंगे और ईमानदारी पूर्वक उसे याद कर लेंगे। तो अब बच्चे देखते हैं मनोविज्ञान का ऑब्जेक्टिव। इसी तरह मैं प्रत्येक विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव YouTube के माध्यम से तुम लोगों को पास पहुंचाते रहूँगा और तुम लोग ईमानदारी पूर्वक इसे अध्ययन करते रहोगे। तो मनोविज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव मैंने पहले क्लास में बताया है उससे आगे आज के YouTube क्लास में बताने जा रहा हूँ। तो इसका पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। तो आनंद सिद्धांत से निर्देशित इसमें से होता है इदम। दूसरा प्रश्न है, बोधक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। बोधक चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, तो बोधक चिकित्सा का प्रतिपादन विक्टर फ्रैंकले ने किया, इसलिए इसका सही ऑप्शन क। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, अभिवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन या POX का संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया। तो अभिवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संतुलन का संप्रत्यय क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा फ्रिट्ज हाइडर। क्वेश्चन नंबर 4, मनोवृत्ति विकार पर किस कारक का अधिक प्रभाव पड़ता है। मनोवृत्ति विकार पर किस कारक का अधिक प्रभाव पड़ता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा परिवार। क्वेश्चन नंबर 5, शारीरिक संवेदनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक परिशांति की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा दबाव। क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है। किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन क्षुधा अभाव के लक्षण है। क्षुधा अभाव यानी भूख के लक्षण क्या है, तो इसका सही आंसर होगा अत्यधिक भूखा रहना। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन विकार बच्चों में पाया जाता है। इनमें से निम्न में 4 विकार है और इनमें से कौन विकार है जो बच्चों में पाया जाता है, तो बच्चों में पाए जाने वाले विकार दुश्चिंता विकार होता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि जिसको IQ कहा जाता है का विस्तार क्या होता है। तो एक सामान्य व्यक्ति की IQ जो है 90 से 109 होता है। क्वेश्चन नंबर 10, प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राथमिक मानसिक क्षमताओं के प्रतिपादन किसने किया, तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा थर्स्टन। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की कितनी श्रेणियां होती है। तो गिलफोर्ड द्वारा जो प्रतिपादित बुद्धि का मॉडल है उसमें बौद्धिक क्षमताओं की जो श्रेणियां है वो श्रेणियां होती है 180। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्धि के पास मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था।
बुद्धि के पास मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा जेपी दास नागलेरी। तो ऑप्शन में नागलेरी नहीं लिखा हुआ है और कभी कभी ऑप्शन में पूरा नाम रहता है जेपी दास नागलेरी। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वह परीक्षण जिसके द्वारा एक समय में एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर होगा व्यक्तिक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता को क्या कहा जाता है? तो व्यक्ति की विशेष योग्यता जो होता है उसे अभिक्षमता कहते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ख। क्वेश्चन नंबर 15 है, संवेगनात्मक बुद्धि के तत्वों में किसे एक तत्व नहीं माना जाता है? क्वेश्चन ध्यान से देखना है, संवेदनात्मक बुद्धि के तत्वों में किसे एक तत्व नहीं माना जाता है, नकारात्मक प्रश्न है, और इसमें नहीं माना जाता है वो है दूसरों पर सहानुभूति दिखाना, ये नहीं होता है, और उपर्युक्त 3 ऑप्शन सही है, और नहीं जो होता है वह नंबर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, व्यक्तित्व मापन का TAT एक मापन पद्धति है, व्यक्तित्व मापन का TAT एक प्रकार का क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का है, यह TAT जो है प्रक्षेपी परीक्षण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 17 है, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो ये पहले मनोवैज्ञानिक जो थे बीने साहब थे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, जो संवेगनात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था? संवेगनात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस संवेगनात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन जो है उंड ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर ख होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध किससे है? तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का संबंध जो है फ्रायड साहब से है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सर्वप्रथम मनोविज्ञान की शाखा कब स्थापित की गई थी? तो भारत में जो है सर्वप्रथम मनोविज्ञान की शाखा 1916 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इसे इसका सही उत्तर होगा ख। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्यक्तिवादी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21 है, व्यक्तिवादी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो व्यक्तिवादी मनोविज्ञान का जनक जो है एडलर को कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ग। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस प्रक्षेपण में प्रेक्षक प्रेषित समूह के साथ नहीं घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस प्रक्षेपण में प्रेक्षक यानी परीक्षा लेने वाले प्रेषित समूह के साथ नहीं घुल मिलकर घटना का अवलोकन प्राकृतिक रूप से करता है? क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका सही उत्तर होगा प्रकृतिवादी प्रेक्षक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर ग होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर ग। किसने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को एक सार्वभौम क्षमता माना है? तो वो मनोवैज्ञानिक है वेक्सलर। क्वेश्चन नंबर 24 का क। क्वेश्चन नंबर 25 है, TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? तो क्वेश्चन नंबर 25, ये TAT जो मापन है यह आत्म
विवरण अविश्वासकारी आत्म विवरण यानी क्वेश्चन नंबर 25 का ख। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है, तो वो केंद्रीय स्थान जो रोजर्स साहब दिए हैं वो आत्म को दिए है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार औसत बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है, यानी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार औसत बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है, तो औसत बुद्धि लब्धि 90 से 110 होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अमूर्त चिन्ह के अर्थ में परिभाषित किया है, यानी किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को अमूर्त चिन्ह के अर्थ में परिभाषित किया है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर ख होगा, स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है, नकारात्मक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्नायु विकृति नहीं है, तो स्नायु विकृति जो है मनोविदिलता स्नायु विकृति नहीं है, और बाकी बात तीन ऑप्शन जो है चिंता विकृति स्नायु विकृति है, बाह्य विकृति स्नायु विकृति है, दुर्वृत्ति स्नायु विकृति है, इसलिए इसका सही उत्तर क होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक दबाव शोध का जनक किसे कहा जाता है, तो हैंस सेल को आधुनिक दबाव शोध का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंग्रेजी शब्द पर्सनालिटी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो पर्सनालिटी का उत्पत्ति लैटिन भाषा से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 जो है, दफ्तर एक समूह का उदाहरण है, दफ्तर जो है द्वितीयक समूह है, जैसे परिवार होता है प्राथमिक समूह, दफ्तर कौन समूह है, द्वितीयक समूह है। क्वेश्चन नंबर 34 है, द्वितत्व बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, द्वितत्व बुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्पीयरमैन साहब ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सैलावे तथा मेयर किस देश से संबंधित हैं, यानी मनोवैज्ञानिक सैलावे तथा मेयर किस देश से संबंधित हैं, किस देश के थे, तो ये जो थे अमेरिका के थे। थैंक यू बच्चे, आप सभी आशा करते हैं कि जो आप सभी प्रश्न का नोट अपने कॉपी में कर लिए होंगे और इसके सही उत्तर को भी कर लिए होंगे और ईमानदारी पूर्वक इसे याद भी कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।